बाई सेक्टर क्या हैं और हमारे एंगल बाई सेक्टर्स क्या होते हैं बाई सेक्टर वर्ड है, है तो वो टू हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बाई एंड सेक्टर बाय टू एंड सेक्टर मीन पार्ट्स इट मीन किसी भी चीज को अगर हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे यूज करेंगे बाई सेक्टर लाइन बाई सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कोई भी जो लाइन है वो किसी भी लाइन सेगमेंट का लाइन सेक्टर तब कहलाएगी जब इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट क्या हो पहली कंडीशन क्या है कि वो उस पर क्या हो परपेंडिकुलर हो और हमें पता है कि परपेंडिकुलर क्या मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट हो और एंगल क्या बनाती हो नाइनटी डिग्री एक तो कंडीशन होगी ये कि वो क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है पासिस थ्रू द मिड पॉइंट कहाँ से पास करने चाहिए इट शुड पास थ्रू द मिड पॉइंट मतलब उसको मिड पॉइंट से पास करना चाहिए पर पेंडिकुलर होना चाहिए और उसको मिड पॉइंट से पास करना चाहिए तब हम उसे क्या कहेंगे ऐसी लाइन को हम कहेंगे लाइन बाय सेक्टर ओके लाइन को उस लाइन सेगमेंट का राइट बाय सेक्टर हम कह सकते हैं जब दो कंडीशन फुलफिल हों पहली ये है कि वो क्या हो उस पेपर पेंडिकुलर हो पर पेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री एंगल बनाती हो दूसरी कंडीशन क्या है पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट उसके मिड पॉइंट से पास करने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये शो किया जा रहा है बायसेकटर को बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल की तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लाइन नहीं कह सकते क्यों क्यों नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एंगल है वो एंगल बनता है रेस से मिल के. तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे रे की रे क्या है रे है एक लाइन का पार्ट जिसका एक साइड पे होता है एंड पॉइंट और एक साइड पे क्या होता है एरो जब हमारी नॉन कोलिनियर जो दो रे हैं वो मिलती हैं तो उनका जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है वो क्या शो करता है एंगल को तो इसका मतलब ये है कि हम जब बात करेंगे बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल की तो हम यहाँ पे लाइन को नहीं कहेंगे हम यहाँ पे कहेंगे रे को सो अ रे इज कॉल्ड अ बाय सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इफ़ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इसका मतलब ये है कि ऐसी रे जो कि जो हमें गिवन एंगल हो उसको टू इक्वल पार्ट्स में बेसिकली टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें तो वो उसका क्या होगा बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल जब हम आ, अपना स्टार्ट करेंगे थ्योरम, इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करेंगे तो हम अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से प्रूव करें होंगे ओके द स्टेटमेंट ऑफ थियरम ट्वेल्व पॉइंट एनी पॉइंट ऑन अट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट प्रूव करेंगे ओगल स्टूडेंट देखिए हमें गेवन क्या है गेवन हमें ये है कि एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाई सेक्टर कोई भी हमने एक पॉइंट लेना है किस पे लेना है राइट बाय सेक्टर पर लेना है ऑफ अ लाइन सेगमेंट मतलब एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है एक लाइन सेगमेंट ले ली हमने हमें पता है लाइन सेगमेंट क्या होती है लाइन सेगमेंट ऐसी हमारा लाइन का पार्ट होता है जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं तो एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उस लाइन सेगमेंट पर फिर हमने क्या ड्रा करना है राइट बाय सेक्टर ड्रा करना है बिल्कुल सीधा उस लाइन सेगमेंट के ऊपर हमें पता है राइट right का मतलब क्या होता है बिल्कुल स्ट्रेट जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और बाय का क्या मीनिंग है यहाँ पे जो के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे इसका मतलब है कि हम सिर्फ बाई नहीं कह रहे ऐसी लाइन नहीं है जो कि उसको दो हिस्सों में उसको डिवाइड करे वो ऐसी लाइन है जो टू पार्ट्स में तो डिवाइड करे इक्वल उसके साथ साथ वो क्या हो उस लाइन सेगमेंट पे हो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल बनता हो 90 डिग्री एंगल बन रहा हो ओके अब जो राइट बाई सेक्टर है उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे वो पॉइंट कोई भी हो सकता है स्टूडेंट जरूरी नहीं है क्योंकि एक स्पेसिफिक हमारे पास ही एरिया जिसमें से हम पॉइंट ले रहे हैं हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं उसके ऊपर हमने ले लिया पॉइंट उस पॉइंट को भी ऑब्वियसली हमें नेम भी देंगे उस पॉइंट से फिर जो दोनों एंड पॉइंट्स थे हमारे लाइन सेगमेंट को उन्हें करेंगे ज्वाइन ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है ज्वाइन हमने कर लिया ज्वाइन करने के बाद हमने देखना है लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट्स हमने प्रूफ ये करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट्स है वो एंड पॉइंट से क्या है उसका डिस्टेंस इक्वल है ये yes, स्टूडेंट्स अब अब हम ड्रा करने लगे हैं फिगर तो सबसे पहले जो हमें इस फिगर को ड्रा करने के लिए चाहिए ऑब्वियसली हमें चाहिए स्केल तो स्केल मैंने ले लिया है और आप लोग चाहें तो साथ साथ आप भी फिगर ड्रा कर सकते हैं लेकिन अगर पहले समझेंगे उसके बाद ड्रा करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा सबसे पहले हमने क्या करना है सबसे पहले हमने देखना है कि हमने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट को क्योंकि जो राइट बाई सेक्टर के ऊपर पॉइंट है वो हमने वो राइट बाई सेक्टर किस पर ड्रा किया वो हमने ड्रा किया है लाइन सेगमेंट के ऊपर तो सबसे पहले चीज़ जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगी लाइन सेगमेंट सो आई एम गोइंग टू ड्रा द लाइन सेगमेंट ओवर हेयर लाइन सेगमेंट आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी लेंथ रख सकते हैं कोई भी लेंथ हो सकती है मतलब इतनी एटलीस्ट हो कि आपकी फ़िगर विजिबल हो और नज़र आए कि वो लाइन सेगमेंट की वजह से हमारी ओवरऑल फिगर कितनी बन रही है तो बहुत छोटी भी, भी नहीं लेनी और बहुत बड़ी भी नहीं लेनी सो नॉर्मल साइज़ के हम क्या करेंगे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे सो दिस इज़ द लाइन सेगमेंट और हमें पता है जब भी हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पे क्या होते हैं तो हम सर्कल छोटे से ड्रा कर देते हैं बेसिकली वो ये शो करेंगे कि वो एंड पॉइंट्स हैं और हम उसको आगे से एक्सटेंड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे ये यह मैंशन कर रहे हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ ए एंड दिस इज बी दिस इज ए बी लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली उसके बाद हम अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट अब हम करेंगे राइट बाय सेक्टर ड्रॉ अब देखें राइट बाय सेक्टर में राइट right शो कर रहा है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पे ओके बाई सेक्टर ये शो कर रहा है कि वो लाइन इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो आपने जब लाइन ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट तो कोशिश करें कि लाइन सेगमेंट आप ऐसे ड्रा करें जो इवन हो मतलब आप ट्वेंटी की ड्रा कर लें सिक्सटीन ड्रा कर लें एटीन ड्रा कर लें ट्वेंटी टू कर लें वजह क्या है वजह यह है कि आप उसको उसका हाफ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उसका हाफ क्या है मतलब अगर आप एटीन लेते हैं तो एटीन का स्टूडेंट हाफ क्या आ जाएगा आपके पास नाइन तो हम नाइन हमें पता चल जाएगा कि हम अगर इस स्केल को ही वापस रखें तो हम उसको आराम से देख सकते हैं कि उसका हमारे पास जो है मिड uh, पॉइंट है या उसका जो ऐसा पार्ट जो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो वो पॉइंट कौन सा है तो हम पहले थोड़ा सा वो पॉइंट ड्रा कर लेंगे या थोड़ा सा मार्क कर लेंगे इसलिए ताकि हम जो राइट बाय सेक्टर इस पर ड्रा करें वो एक्जैक्टली exactly शो भी करें कि दोनों पार्ट्स क्या हैं सेम ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमें फ़िगर ड्रा करते हुए जहन में रखने हैं अदरवाइज़ अगर हमारी फिगर एग्जैक्ट ना हुई तो हमारा आगे फर्दर हमारा जो थेरम है हम उसकी तरफ मूव नहीं कर सकते ऑब्वियसली अगर हमने फिगर ही गलत ड्रा कर दी तो हम थेरम को प्रूव कर भी दें ठीक तो वो चीज़ उस तरीके से कंसिडर नहीं की जाएगी सो so, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट बाय सेक्टर इस पर ड्रा करेंगे राइट बाय सेक्टर के लिए देखें जिस तरह से मैंने अगर ली है ऑलमोस्ट मैंने ली है ट्वेंटी ट्वेंटी लिखा है तो मैं इसका हाफ ले लूंगी टेन वो आ जाएगा मेरे पास पॉइंट ओके okay. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी एक राइट बै सेक्टर ड्रॉ करने लगी यहां पर और क्योंकि ये राइट बै सेक्टर लाइन को शो कर रहा हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पे तो हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि हम उसको एक्सटेंड भी कर सकें हमें पता है क्योंकि ये लाइन है तो लाइन के स्टार्ट में और एंड पे क्या होता है स्टूडेंट एरोज़ हम ज़रूर ड्रा करते हैं ओके हमने ये काम कर लिया हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की उसके बाद हमने एक राइट बाई सेक्टर उस पर ड्रा कर दिया अब राइट बाई सेक्टर ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे राइट बाई सेक्टर ड्रा करने के बाद हम इस पर कोई से टू पॉइंट्स ले लेंगे किसके ऊपर इस लाइन के ऊपर अगर हम टू पॉइंट्स इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इसको कोई ना कोई नेम दे सकें कि हम किस नेम से इस लाइन को कॉल करेंगे अपने थेरम में सो दिस इज़ द पॉइंट एल एंड दिस इज एम हम जब भी लाइन के ऊपर को लेते हैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम इस लाइन को क्या नेम दे रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं क्योंकि ये राइट बाय सेक्टर है इसका मतलब है ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है और इसके साथ भी क्या बना रहा है 90 डिग्री एंगल तो हम यहाँ पे शो कर देंगे कि ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री ओके okay. हमने क्या किया अब हमने एंगल भी शो कर दिया है उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट से ही देखते हैं कि हमने नेक्स्ट करना क्या था एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट वी हैव डन द लाइन सेगमेंट वी हैव डन विद द राइट बाय सेक्टर तो हम अब उस पॉइंट के बारे में बात करने लगे हैं स्टूडेंट जो कि हम पॉइंट लेंगे राइट बाई सेक्टर के ऊपर और वो राइट बाय सेक्टर किसका है लाइन सेगमेंट का और वो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है ए बी अब मैं कोई सभी एक पॉइंट लेने लगी हूँ एक और चीज़ ये पॉइंट आप चाहें तो यहाँ भी इस पार्ट में भी ले सकते हैं और चाहें तो लोअर पार्ट में भी ले सकते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अपर ही लेना है लोअर लेना है क्योंकि जो चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो हम ये प्रूफ करें कि हम जो पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से और उसका डिस्टेंस बी पॉइंट से क्या होगा सेम तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम अपना जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं तो अगर आप ये नीचे भी से भी कोई पॉइंट लेना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पॉइंट इसलिए बताए जाते हैं कि अभी तो मैं ड्रॉ करूंगी ऊपर से लेके पॉइंट और उसको प्रूफ करूंगी लेकिन ये आपके लिए एज एन असाइनमेंट है कि आपने क्या करना है सेम फिगर ड्रॉ करनी है और पॉइंट लेना है यहाँ पे किसी मतलब लोअर पार्ट में आपने कहीं पे पॉइंट लेना है और देखना है कि क्या वो डिस्टेंस सेम है या नहीं मैं वो पॉइंट लेने लगी हूँ पी और ये जो लाइन सेगमेंट है जो ए को इंटरसेक्ट करी है जिस पॉइंट पे हम उस पॉइंट को भी कोई नेम दे देंगे हम उसे कहते हैं कि वो पॉइंट क्या है सी है अब यहाँ तक तो बात हो गई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट जितना उन्होंने हमें बताया था उतना हम काम कर चुके हैं लेकिन हमने इक्वी डिस्टेंस क्योंकि हमने प्रूव करना है कि वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों का और इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस क्या है सेम है तो वो आ जाएगी हमारी कंस्ट्रक्शन में क्योंकि वो चीज़ हमने खुद प्रूव करनी है तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किस में आएगी कंस्ट्रक्शन में ओके नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन दीज टू पॉइंट्स अब देखें जिस तरह के मैंने आपको भी बताया था कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगी डॉटेड लाइंस में लाइक दिस हम इस तरह से लाइन ज्वाइन कर देंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे इनको डॉटेड लाइन के साथ शो बेसिकली अब पी को हम ज्वाइन uh, कर रहे हैं ए को भी हमने ज्वाइन कर दिया किसके साथ पी के साथ अब हम बी को भी ज्वाइन कर रहे हैं पी के साथ ये हमारे पास क्या आ गई हैं स्टूडेंट डॉटेड लाइंस आ चुकी हैं अब हमारे पास क्या है हमारी फिगर कंप्लीट है लाइन सेगमेंट ए बी राइट बाय सेक्टर एल एम इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी मेकिंग द एंगल 90 हम 90 देख सकते हैं क्योंकि राइट बैक सेक्टर ये गिवन है नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ए पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी पी मतलब कॉन्ग्रेंट यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हो रहा है सिमिलर के लिए मतलब कि एक जैसे हैं तो उनको एक जैसे हम किस तरीके से शो करेंगे हम अब यहाँ पे जब स्टेटमेंट्स में जाएंगे तब देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से ये चीज़ शो करेंगे तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गिवन को और अपना जो थेरोटिकल पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं अब हम क्या राइट करेंगे अब हम वो स्टेप सारे लिखेंगे जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने को प्रूव करने के लिए तो पहला तो है हमारे पास हम लिखते हैं गिवन लाइक हमारे पास क्या चीज़ गिवन है उसको यहाँ पर हम मैंशन करेंगे गिवन अब स्टूडेंट हमें क्या गिवन है हमें गिवन है राइट बाई सेक्टर एक जो कि किसको शो कर रहा है लाइन है हमारे पास एल एम अलाइन लाइन अब वो लाइन क्या है एल एम और हमें पता है जब भी हमने लाइन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऊपर इस तरीके से राइट right करते हैं इस साइड पर भी एरो और इस साइड पर भी एरो लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट यहां पे हमने लाइन की बात की है और अब हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी अच्छा अब हम क्यों क्योंकि बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की तो लाइन सेगमेंट uh, की हम जब भी बात करेंगे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे लाइन और उसके थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं पॉइंट आउट कर देते हैं जब भी हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की लाइन सेगमेंट में हम एरो नहीं करते दोनों साइड्स पे क्या करते हैं डॉट्स को ड्रॉ करते हैं ओके अलाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सी एट पॉइंट सी सच दैट अब किस तरीके से वो सेट कर रही है कि हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है अब हम कंडीशन लिखने लगे हैं अब वो क्या हमें पता चल रहा है एल एम परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर है ए बी यहाँ पे मेंशन करेंगे हम उनके साइंस को लाइक दिस एल एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड अब मैं क्यों क्या प्रोमनेंट करके लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए लेकिन आपने क्या करना है अगर आप चाहें तो इसको वन गो मतलब एक लाइन में भी लिख सकते हैं एल एम एज पर पेंडिकुलर टू ए बी और उसके बाद और क्या चीज हम देख रहे हैं गिवन क्योंकि गिवन की बात कर रहे हैं ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी तो अब उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए सी इस कॉन्ग्रेंट का क्या साइन होता है

ज अज किस पे ले रहे हैं एल एम एल एम इज स्पेसिकली द लाइन ओके स्टूडेंट वी हैव डन विदिवन हमने गिवन बता दिया है कि गिवन हमें क्या क्या चीजें हैं अब हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ अब यहाँ पे हम शो करेंगे कि हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है पी ए कॉन्ग्रेंट टू पी बी यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे अब पी ए भी क्या है? एक लाइन सेगमेंट को शो करेगी कॉन्ग्रेंट टू पी बी अब हम देखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी कंस्ट्रक्शन तो हमारी बहुत ज्यादा नहीं थी अब हम मेंशन करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में जो भी हमने किया होगा उसको हमने वर्ड्स में यहाँ पे मैंशन कर देना है ज्वाइन पी टू द पॉइंट्स। जॉइन पी टू द पॉइंट्स ए एंड बी एंड बी एंड बी डेट्स इट सो दिस इज गिवन दिस इज प्रूफ एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन इसको हम थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देते थे हमें क्लैरिफाई हो गया कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद ही हमारे पास प्रूफ था अब हमारे पास क्या है लास्ट में कंस्ट्रक्शन है अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को प्रूफ के लिए हम देखेंगे स्टूडेंट अपनी फिगर की तरफ चलते हैं हमारे फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो हमने जो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है पी को ए के साथ और पी को बी के साथ हमें दो राइट right ट्राइंगल्स मिल रहे हैं फर्स्ट वन ये आप लोगों ने खुद अपनी फिगर पे नहीं करना ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए शेड करके दिखाने लगी हूँ एक ये है हमारे पास जो राइट right ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो है ये ओके okay. ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जो हमें मिल रही हैं तो अब हम क्या करेंगे अपने ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए या उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए अपने स्टेटमेंट को क्या करेंगे प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं ट्राइंगल ए इन ए सी पी वो की वो क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस टू ए सी पी कॉरेस्पोंडेंस टू ट्राइंगल बी सी पी ए सी पी बी सी पी अब दोनों में हमने सी को दरमियान में क्यों रखा है सी को दरमियान में हमने इसलिए रखा है कि उस पर जो एंगल बन रहा है वो हमें पता है क्या है वो क्या है नाइन्टी तो जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे होते हैं उसको हम अपने ट्राइंगल में कहाँ लिखते हैं मिड में लिखते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें हम अपने किस को फर्स्ट स्टेप को किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं अब देखें हम जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ट्रायंगल में हम आप देख सकते हैं कि हमारी कौन सी दोनों ट्रायंगल में ऐसी साइड्स हैं जो कि क्या हैं कॉनकरेंट हैं वो हैं AC एंड BC वी कैन सी हियर और ये हमें गिवन भी था AC कॉनकरेंट टू BC और यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे रीजन ऑब्वियसली हम यही राइट करेंगे कि ये हमारे हमें क्या था गिवन था गिवन ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी पी जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे सी पे जो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल बन रहे हैं वो क्या है सेम है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमने सी को रखा ही दरम्यान में इसलिए था क्योंकि हमें सी पॉइंट पर एंगल पता है वो क्या है नाइन्टी डिग्री तो हम यहाँ पे रीज़न में लिखेंगे पी सी हमारे पास पी सी जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है किस पे है ए बी पे सो दैट एट ईच दोनों सी जो है मतलब अब सी ऐसा पॉइंट है जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो दोनों ट्रायंगल्स पे जो हमारा एंगल है सी पे वो क्या है 90 डिग्री है और ये हमें क्या था स्टूडेंट्स गिवन गिवन था, ओके, सो दिस इज़ द थिंग, पीसी परपेंडिकुलर ए बी पे सो so, और हमारे दोनों जो सी हैं वो एंगल क्या बना रहे हैं 90 डिग्री इस वजह से हमारे दो एक साइड और एक एंगल क्या है सेम है उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो साइड, वो भी साइड है पी सी कॉन्वेंट पी बेसिकली क्या है हमारे पास क्यों कॉन्ग्रेंट क्यों है सेम क्यों है जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों में वो क्या है कॉमन है यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन है तो हमने क्या कह दिया वो क्या है कॉन्ग्रेंट है अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें एक साइड हमें सेम मिल गई हमें एक एंगल सेम मिल गया और हमें एक और साइड मिल गई हमने जब अपने ट्राइंगल्स को प्रूव किए थे उन ट्राइंगल्स के प्रूफ में एक प्रूफ यह भी था एस ए एस एस ए एस किस शो कर रहा है साइड एंगल साइड इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास अगर ट्राएंगल है उसमें दो साइड और एक एंगल दोनों के क्या हों दो साइड सेम हो, मतलब एक साइड दूसरी साइड के इक्वल दूसरी साइड तीसरी साइड के इक्वल इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो ट्राएंगल्स क्या हों सेम हो, तो उसमें हम उनको सेम किस तरीके से कहेंगे कि कि दो साइड्स और एक एंगल सेम बन जाए तो हम उसको सेम कह सकते हैं तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रेंट हैं तो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम जिस चीज को प्रूफ करना चाह रहे थे वो थी पी ए एंड बी ए जब दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल ये दोनों साइड इक्वल हम बता चुके हैं ये साइड इस साइड के इक्वल ये भी हम बता चुके हैं और ये जो एंगल है वो भी दोनों में क्या है सेम और बाकी एंगल्स भी क्या होंगे सेम होंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा बट ऑब्वियसली अभी हमें वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तो हम उसका मेंशन नहीं रहे तो यहाँ पे हम बता देंगे फॉर ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी पी रीजन क्या बताएंगे स्टूडेंट रीजन हम वही बताएंगे कि हमारे पास टू साइड्स और वन एंगल क्योंकि सेम है तो हम यहाँ पे ट्राइंगल का पॉस्टुलेट यूज रहे हैं वो क्या है एस ए एस पॉस्टुलेट एस ए एस ओके, okay. हमें क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल क्या हो सेम हो तो हम उसे दो ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं तो अब लास्ट में हम देखेंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल uh, हमारे कॉन्ग्रेंट हैं और हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे के अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो हमारी सारी साइड सेम होंगे ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल और ये कॉमन है इस वजह से और एंगल्स भी क्या होते हैं सेम एंगल ये वाला तो हमें समझ में आ रहा है सेम बाकी दो की हमें ज़रूरत नहीं है वरना हम वो भी ज़रूर एक्सप्लेन यहाँ पे करते तो यहाँ अब हम लिख देंगे अपना कि हमारे जो हमने प्रूफ करना था हमने क्या प्रूफ करना था वी हैव टू प्रूफ पी ए लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी बी लाइन सेगमेंट और रीजन क्या लिखेंगे कॉरस्पोंडिंग ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिकली कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स थे हम कॉरेस्पोंडिंग साइड ले रहे हैं, हैंडिंग साइड्स, कॉरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सो yes. so, क्या है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है किसकी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के जो कि हम प्रूव कर चुके हैं भी क्या होती हैं मतलब उनके आमने सामने वाली मतलब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ये स्लांट लाइन की तो अगर मतलब स्लांट है ना फिर इसकी स्ट्रेट नहीं है तो ये भी क्या होगी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी दूसरे ट्राइंगल की जो कि इस तरीके से इसके सामने होगी स्लांट होगी क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है एक Uh, दो कॉनगुरेंट ट्रायंगल की इस वजह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि पी ए इज कॉन्गोडेंट टू पी बी एंड इज टू प्रूव यही चीज हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी थी yes, student, आज हमने एंगल बाय और लाइन बाय सेक्टर के बारे में पहले पढ़ा समझा और उसके बाद हमने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किया आई होप जो हमने आज थ्योरम प्रूफ किया है वो आपको समझ में आ गया होगा फिगर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि वो जो फिगर हो वो एग्जैक्ट वैसी ही हो जैसे कि बुक पे गिवन है सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज